हेलो नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। एक्सरसाइज 3.2, चैप्टर 3, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये एक्सरसाइज ग्राफ से रिलेटेड है। जिस तरह की मैंने 3.1 में एक्सप्लेन किया पहले कि क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, एक्स एक्सिस क्या होती है, वाई एक्सिस क्या होती है, तो देखिए यहाँ पे एक बार फिर से मैं आपको छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ उसका। ये आपके पास बुक में ही कुछ बना हुआ है, ग्राफ है, एक्स एक्सिस, y एक्सिस। ये देखिए, ये लाइन x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। यहाँ x की पॉजिटिव वैल्यू, फिर ये जीरो, ये नेगेटिव वैल्यू, y की पॉजिटिव वैल्यू, y की नेगेटिव वैल्यू। क्वाड्रेंट्स है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, दोनों पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे तो यहाँ जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट x को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा y को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ x नेगेटिव होगा। देखिए x नेगेटिव, आपको वैल्यूज भी दिख रही हैं, x एक्सिस पे नेगेटिव और y पे पॉजिटिव, तो x नेगेटिव, y पॉजिटिव, दोनों ही वैल्यूज नेगेटिव एंड यहाँ एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब चलिए हम यहाँ फर्स्ट पार्ट का आंसर देते हैं। राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये जस्ट वन वर्ड के हैं तो मैं यही लिख के आपको बता दूंगी। इसके लिए कुछ आप अपनी नोटबुक कंप्लीट करते टाइम यहाँ से क्वेश्चन और साथ में आंसर लिख सकते हैं। फर्स्ट है, राइट द आंसर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजेंटल एंड द वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमिन द पोजिशन ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कार्टेशियन प्लेन। दिस इज द प्लेन। इसमें हॉरिजोंटल लाइन की क्या क्या नेम होता है? हॉरिजोंटल को क्या बोलते हैं? हॉरिजोंटल लाइन क्या कहा जाता है उसको? अभी मैंने बताया, दैट इज एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस कहते हैं उसको। और वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन है ये, देखिए यहाँ पे ये जो ये वाली लाइन है, ये इसको बोला जाता है वाई एक्सिस। ये क्या है? वाई एक्सिस, ठीक है जी। सेकेंड पार्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। जब हम ये दो लाइंस जब इंटरसेक्ट कर रही हैं, आपस में काट रहे हैं, तो चार क्या बन रहे हैं? क्वाड्रेंट्स। तो क्या है वो? नेम ऑफ द ईच पार्ट, दैट इज क्वाड्रेंट। दीज आर कॉल्ड एज द क्वाड्रेंट्स। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। ये दो लाइंस कहाँ इंटरसेक्ट करती हैं? ओरिजिन पे करती हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज द ओरिजिन। उस पॉइंट का नाम क्या है? ओरिजिन। और ओरिजिन की वैल्यू क्या होती है? ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? जीरो, जीरो। वैसे ये पूछा नहीं गया, बट आपको सिर्फ ओरिजिन ही लिखना है। क्वेश्चन नंबर टू है, सी फिगर 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग। ये आपके पास फिगर 3.14, ये सबकी बुक्स में गिवन है, तो यहाँ आपने इस फिगर को देखना है और पार्ट्स का आंसर देना है। तो देखिए, फर्स्ट पार्ट है, सबके पास बुक होगी। फर्स्ट पार्ट है, लुक एट द बुक। देखो, मैं यहाँ से दिखा रही हूँ आपको, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। आप फिगर पे आ जाओ, ये बी, पहले बी पॉइंट ढूंढो कहाँ है। ये है बी, बी के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं? कोऑर्डिनेट्स मतलब पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू लिखेंगे। तो देखिए, x की तरफ से ये कितना दूर है, ये देखिए यहाँ से आपको दिखाया भी है, -5। और बी y की तरफ से क्या डिस्टेंस है? 2। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए? -5 and 2। तो देखिए, b आ रहा है ना सेकेंड क्वाड्रेंट में और उसकी वैल्यू आ गई, तो यहाँ हम लिखेंगे -5 and 2। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ c, c के कोऑर्डिनेट्स। अब c पॉइंट ढूंढो कहाँ है, ये रहा c पॉइंट। तो अब इसकी x एक्सिस से दूरी देखो और y एक्सिस से दूरी देखो। c x एक्सिस से कितना दूर है? ये देखिए 5। और y से कितना दूर है? -5। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए? व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ c? तो यहाँ आप लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ c, दैट इज 5 and -5, ठीक है जी। थर्ड पार्ट है, द पॉइंट डिफाइंड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 -5। अब देखो, दोनों नेगेटिव हैं, -3 -5, तो ये कहाँ जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में, इतना तो हमें पता चल गया। अब देखिए, x की तरफ -3, तो ये x की तरफ -3 ये हो गया, और y की तरफ -5, y की तरफ ये -5, तो ये पॉइंट आ गया, ये -3 और यहाँ से -5, दिस इज पॉइंट E। तो इसका आंसर क्या आएगा, लिख दीजिए यहाँ, इसका आंसर होगा पॉइंट E। नेक्स्ट, फोर्थ पार्ट, द पॉइंट डिफाइंड बाय द कोऑर्डिनेट 2 and -4, 2 and -4। ये देखिए 2 and -4, ये -4, दिस इज G, क्या आ गया? पॉइंट G। उसके बाद द एब्सिसा ऑफ पॉइंट D,
एब्सिसा मतलब x की वैल्यू, तो d पॉइंट d ये है इसकी x की वैल्यू। x की वैल्यू देखिए कहाँ है, x एक्सिस पे ये 6 पे आ रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एब्सिसा पॉइंट d दैट इज इक्वल टू 6। द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट h, ऑर्डिनेट मतलब y की वैल्यू, तो h, हेयर इज द h पॉइंट, इसके ऑर्डिनेट की वैल्यू, ऑर्डिनेट मतलब x y की वैल्यू, दिस इज h पे देखिए दिस इज माइनस 3, ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट h दैट इज माइनस 3। एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट l, कहाँ है l, हेयर इज l, ये रहा l, तो l पे क्या है, x एक्सिस पे तो ये 0 ही रह रहा है, y एक्सिस पे 5 जा रहा है, तो इसके पॉइंट क्या हो गए, 0 एंड 5, पॉजिटिव वैल्यू है, तो हम यहाँ ये 0 है, x की तरफ तो मूवमेंट ही नहीं हुई, ओरिजिन पे ही रह गया, मतलब x 0 है और y जो है वो 5 है, जो पॉइंट y एक्सिस पे होगा उसका x 0 होगा और जो x एक्सिस पे होगा उसका y 0 होगा। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट m, हेयर इज पॉइंट m, m के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, देखिए x की तरफ माइनस 3 जा रहा है और y की तरफ मूव ही नहीं किया, वहीं पे है, तो दिस इज माइनस 3 0, माइनस 3 एंड 0। आई होप यू हैव गॉट इट, इस फिगर को बहुत अच्छी तरह से ऑब्जर्व कीजिए, क्वाड्रेंट्स है 1, 2, 3 एंड 4, इस तरफ x की पॉजिटिव वैल्यू, इस तरफ x की नेगेटिव वैल्यूज, y की पॉजिटिव वैल्यू, y की नेगेटिव वैल्यू, और पॉइंट कोऑर्डिनेट्स लिखते वक्त खास ध्यान रखना है कि पहले x की वैल्यू फिर y, अगर आप पहले y लिखते हो देन x लिखते हो तो वो टोटली रॉन्ग होगा, उसको गलत माना जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 3.2। इसके एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी कि जब भी कोई चैप्टर ख़त्म होता है तो आप उसके समरी पॉइंट्स को ज़रूर रीड किया कीजिए, जो मैं आपको बोल बोल के बताती हूँ या मैंने जो डिस्क्रिप्शन दी होती है, जो मैंने समझाया होता है, वो पॉइंट्स यहाँ सारे लिखे होते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया द हॉरिजॉन्टल लाइन इज़ कॉल्ड एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन इज़ कॉल्ड वाई एक्सिस, तो ये सारी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर होगी। चैप्टर को और अच्छी तरह से समझने के लिए, याद रखने के लिए आप जो है समरी पॉइंट्स को ज़रूर रीड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट, विद दिस चैप्टर 3 इज़ फिनिश्ड।